हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारा एमसीक्यूज का सेट है, इट इज़ ऑन फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जो JKSSB ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं। दैट्स व्हाई आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। नाउ लेट अस प्रोसीड। क्वेश्चन फर्स्ट, द स्पीड ऑफ हॉट डेस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। नाउ पहले आप हॉट डेस्क देखो। नाउ ये हॉट डेस्क है एंड ये सर्कुलर वे में मूव करते हैं, एंड जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर वे में मूव करता है, फॉर एग्जांपल आवर प्लैनेट अर्थ, वो भी सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में सर्कुलर वे में मूव करता है, उसे हम रिवॉल्व करना कहते हैं। एंड जब हम इसको रिवॉल्व करना कहते हैं तो ये भी सर्कुलर वे में ही मूव करते हैं जो हमारे हार्ड डिस्क है, तो इसे भी हम रिवॉल्व कहते हैं। तो अब जब रिवॉल्व करते हैं तो जब भी इसका स्पीड अप, जब भी इसकी स्पीड अप मेजर करनी होती है तो कैसे करेंगे स्पीड मेजर? RPM है, दैट इज रिवोल्यूशन, क्योंकि रिवॉल्व करते तो रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसका राइट आंसर है फिर रिवोल्यूशन पर मिनट। नो, रिवोल्यूशन पर मिनट, दैट इज ए है राइट आंसर। एंड ये क्वेश्चन JKSSB ने लास्ट ईयर सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा था। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है एग्जाम में। क्वेश्चन सेकंड, आइडेंटिफाई अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉलोज विथ रेस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। देखो, प्राइमरी मेमोरी को हम मैन मेमोरी भी कहते हैं, आपके एग्जाम्पल है रैम है, रोम है, कैची मेमोरी है या रजिस्टर्स है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, एग्जाम्पल है आपकी पेन ड्राइव है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव है, या CD है या DVD है। तो ये एग्जाम्पल है आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज की। उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमें पता है कि ए है आपका प्राइमरी मेमोरी इज टेम्परेरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट, ये ट्रू है, ये हम सब जानते हैं। CPU ऑलवेज एसेसेस प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली बट नॉट सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, जो CPU होता है वो सिर्फ प्राइमरी मेमोरी को एसेस करता है, सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा होता है उसको डायरेक्टली एसेस नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है, और जो CPU की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो स्पीड होती है CPU की, वो इसको कैच नहीं कर पाती, या जो सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड होती है वो CPU की स्पीड को मैचअप नहीं कर पाते। दैट्स हमें बीच में लगाना पड़ता है क्या, प्राइमरी मेमोरी। अब जब बीच में प्राइमरी मेमोरी होती है तो जो भी डाटा सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं उसे जब एसेस करना होता है तो उसको पहले प्राइमरी मेमोरी में लाना होता है, लाता कौन है कंट्रोल यूनिट, उसके बाद से CPU एसेस करता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी और जो प्राइमरी मेमोरी एंड जो CPU की स्पीड होती है वो अप टू समहाउ मैच करते हैं एक दूसरे से। तो ये आपको याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। अब थर्ड है आपका, कंटेंट अवेलेबल इन सेकेंडरी मेमोरी शुड बी लोडेड टू प्राइमरी मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ये हमने अभी देखा कि जो भी सेकेंडरी मेमोरी में डाटा होता है उसको जब भी एग्जीक्यूट करना है तो पहले उसको प्राइमरी मेमोरी में लाना होता है, उसके बाद CPU उसको एग्जीक्यूट एसेस करता है। तो ये भी राइट है। प्राइमरी मेमोरी इज लेस एक्सपेंसिव दैन सेकेंडरी मेमोरी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज जो प्राइमरी मेमोरी होती है, फॉर एग्जांपल आप जितने आपकी मोबाइल की रैम या रोम या कैच मेमोरी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव होता है। अब तो दैट्स वाई जो प्राइमरी मेमोरी होती है, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी से। तो इसका ये जो स्टेटमेंट है डी, ये फॉल्स है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज़ द CPU सेक्शन दैट इंटरप्रेटर्स सेलेक्टर्स एंड आल्सो सीज टू अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन और इज एन इन चार्ज ऑफ फेच एग्जीक्यूशन साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल। देखो, मैंने आपको कल ही कहा कि जो भी कमांड या मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, इनपुट से लेके जाना CPU में, फिर CPU से आउटपुट में, तो ये सब कुछ काम किसका होता है या इंटरप्रेट करना, ये सारा काम किसका होता है? ये सारा काम होता है आपके कंट्रोल यूनिट का। तो CU इसका राइट आंसर है, C। क्वेश्चन फोर, द ALU दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर रेस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। कहाँ से? जब भी कमांड कौन लाता है, सारे कमांड्स कौन लाता है, कौन देता है? ये सारे कमांड देता है आपके कंट्रोल यूनिट, अभी हमने पढ़ा। तो इसका राइट आंसर है B। क्वेश्चन फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू डायनामिक मेमोरीज दैट इज DRAM एंड स्टैटिक मेमोरीज दैट इज SRAM। देखो, जो RAM होते हैं रैंडम एसेस मेमोरी, उसके टू टाइप्स होते हैं, DRAM एंड SRAM। अब ऑप्शन ए है, SRAM इज़ मोर इनएक्सपेंसिव दैन DRAM। जो SRAM होती है ये आपकी कैची मेमोरी में होती है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू DRAM, बिकॉज जो कैची मेमोरी होती है वो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू RAM। दैट्स वाई जो SRAM होती है ये मोर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू DRAM। सो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। DRAM रिक्वायर्स डाटा टू बी रिफ्रेश्ड एवरी 15 MS, बट SRAM डज नॉट रिक्वायर पीरियडिक रिफ्रेशिंग। हाँ, जो DRAM होती है वो ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स की बनी हुई होती है, एंड दैट इज़ वाई उसमें रिफ्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है एवरी 15 MS। बट जो SRAM होती है इसमें फ्लिप फ्लॉप्स में डाटा सेव होता है, दैट्स वाई इसमें रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये स्टेटमेंट राइट है। बोथ SRAM एंड DRAM नीड टू बी रिफ्रेश्ड फॉर एवरी 15 MS। नहीं, हमने अभी देखा कि जो SRAM होती है उसमें कोई रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। SRAM चिप्स आर फिजिकली स्मॉलर एंड स्टोर ए लार्ज नंबर ऑफ बिट्स हाई डेंसिटी। जो SRAM होती हैं वो आपकी
फिजिकली लार्ज होते हैं एज़ कम्पेयर टू डी रैम, एंड उनमें जो स्टोर होता है, हमने अभी कहा कि वो कैची मेमोरी में होते हैं और कैची मेमोरी आपके KBs में आती है, तो उनमें स्टोर जो डेटा होता है वो बहुत लेस होता है, ठीक है ना, लार्ज नहीं होता, लेस होता है, दैट्स उनकी डेंसिटी भी लेस होती है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, एंड ये क्वेश्चन भी JKSSB ने लास्ट ईयर पूछा था एग्जाम में। क्वेश्चन 6, विच ऑफ दिस कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी लैंग्वेज यूज़ होती है प्रोलॉन्ग या पाइथन या जेवा या लिस्प या C++, ये कुछ 4-5 लैंग्वेज हैं जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं, एंड जो कोबॉल एंड फोटान ये आपकी असेंबली लैंग्वेज हैं जो सेकेंड जनरेशन में आई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़? वेदर फोरकास्टिंग में तो यूज़ होता ही होता है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी यूज़ होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में तो यूज़ होता ही होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, एंड ये क्वेश्चन भी JKSSB ने लास्ट ईयर फाइन आर्ट्स अकाउंट असिस्टेंट में पूछा था। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी? तो प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है आपकी सेकेंडरी है, पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी है, CD एंड DVD भी सेकेंडरी मेमोरी है। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या आर कंप्यूटर एप्लीकेशंस? डाटा प्रोसेसिंग भी है, बिजनेस ट्रांजेक्शन भी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी, तो इसका राइट आंसर है ऑल। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ कंप्यूटर सिस्टम टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस व्हेन फेड डाटा? हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, दैट्स उसको मशीन लैंग्वेज के थ्रू ही ट्रेन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज। जो बूटस्ट्रैपिंग है एक फैंसी टर्म है, अगर इसको कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू से एक सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है टू ट्रांसलेट मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स, एंड अगर इसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका मतलब होता है जो भी हमारी सेविंग होती है जब हम उसको बिजनेस में लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। क्वेश्चन 11, कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डरूम वी कॉल इट? देखो, कंप्यूटर ना थक जाता है ना उससे वो बोर होता है कभी, तो उसे हम कहते हैं इस टर्म को डेलीजेंस। एंड जो रिलायबिलिटी होते हैं, रिलायबिलिटी मतलब अगर आप कंप्यूटर को इनपुट एक्यूरेट दोगे तो एग्जैक्ट आपको रिजल्ट देगा, तो रिलायबिलिटी है। वर्सिटिलिटी मतलब होता है कि आप एक टाइम पर आप बहुत सारे टास्क कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप साइड में गेम खेल सकते हो और साइड में आप सॉन्ग भी सुन सकते हो। और सिक्रेसी मतलब होता है कि ओबियसली आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन आता है आपका मोबाइल या लैपटॉप वगैरह होता है, तो सिक्रेसी भी इसमें होती है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू रैम, रैंडम एसेस मेमोरी? इट्स अ प्राइमरी मेमोरी, दिस इज ट्रू। इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर, दिस आल्सो ट्रू। रैम इज़ एक्सपेंसिव दैन रोम, दिस इज आल्सो ट्रू, क्योंकि आप अपने कोई मोबाइल लेके आए आप, तो उसमें अगर रैम 8 GB की होगी, रोम उसमें जो रीड ऑनली मेमोरी होती है वो उसमें 128 GB होगी, तो बस रैम बस 8 GB की होगी, तो इसका मतलब कि जो रैम होती है ये एक्सपेंसिव होती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू रोम से। और रैम जो होती है वो एसएस के काम आते हैं, जब आप चलाते हो कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो तो उस टाइम पर वो सब कुछ कहाँ पर आते हैं, रैम में चलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑल। क्वेश्चन 13, हाफ बाइट इज इक्वल टू? देखो, हाफ बाइट होते हैं आपके 4 बिट के बराबर, एंड हम जानते हैं कि 4 बिट होते हैं आपकी 1 nibble के बराबर, तो इसका राइट आंसर है 1 nibble। नो, ये आपकी यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, यूनिट्स ऑफ स्टोरेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। हम जानते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है दैट इज स्टोरेज यूनिट, दैट इज बिट, देन 4 bits होते हैं 1 nibble के बराबर, देन 8 bits होते हैं 1 byte के बराबर, उसके बाद 1024 bytes होते हैं आपके 1 KB के बराबर, फिर 1024 KB 1 MB के बराबर, उसके बाद 1024 हर जगह मिलेगा आपको, देन आप यहाँ पे आपको इसको अच्छे से देख लेना 1-2 बार, तो आपको ये मेमोराइज़ हो जाएगा। क्वेश्चन 14, व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिक यूनिट इन द CPU ऑफ ए कंप्यूटर? हमें पता है कि CPU में आपका ALU होता है एक यूनिट, और अर्थमेटिक जो होता है इसका काम होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करना या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना, और जो उसके बाद लॉजिक यूनिट होता है इसका काम होता है कंपेयर करना, ग्रेटर देन लेस देन एंड सो ऑन, तो जो लॉजिक यूनिट है तो इसका काम होता है टू कंपेयर नंबर्स। क्वेश्चन 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? देखो, पहले बनाया था चाइना ने एबेकस, उसके बाद आया था सेकंड आपका नेपियर बोनस, उसके बाद पास्कल आयन आया, देन उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने बनाया एनालिटिकल इंजन, देन उसके बाद आया था एलान ट्यूरिंग ने बनाया आपका ट्यूरिंग मशीन, और वो ट्यूरिंग मशीन बेसिकली एक ब्लू प्रिंट तैयार किया था उसने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का। अब हमें बताना कि फर्स्ट उसके बाद बना फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वो था आपका ABC, देन उसके बाद बना फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, ये अनप्रोग्रामेबल था, उसके बाद बना फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर दैट वाज ENIAC, देन उसके बाद बना फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर दैट वाज UNIVAC, तो ऐसे आपको ऑर्डर में याद रखना है।
Question 16. Which unit controls the movement of signals between CPU and input output unit? तो हमें पहले ही पता है जो भी control या coordination काम होता है ये आपका होता है control unit का, तो इसका right answer है A. Question 17. Processes data of computer is called, जब data को process होता है complete के बाद, उसके बाद वो हमारे पास output के form में आता है, तो उसका process data basically हमारा होता है output, तो इसका right answer है output. Question 18. What happens to data in RAM when power goes off and computer shuts down? ये question भी JKSSB ने last year sub inspector ने पूछा था. तो जब भी power off होता है और हम कुछ RAM में कोई document या कोई game या कुछ और application run कर रहे होते हैं, तो जब भी power off होता है तो वो सारा data ख़त्म हो जाता है, because RAM जो ये temporary memory है और ये volatile in nature है. That is why इसका right answer होगा data stored in RAM is lost when power goes off and it will have to be recreated. तो हमें वो फिर लाना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर है सी. क्वेश्चन 19. अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, मैंने परसों बताया था इसका राइट आंसर है रजिस्टर्स. क्वेश्चन 20. विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. देखो बिफोर जून 2022 आपका फुगाकू था जो जापान का था, ये था फास्टेस्ट कंप्यूटर, बट इसको बीट किया आप किसने, अब हमारा जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वो बन गया फ्रंटियर यूएसए का. एंड जो परम 8000 है ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, और जो प्रत्यूष है इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर है, और अगर जो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वो था क्राई फर्स्ट. नो विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है. आप अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखें एंड कंटिन्यूसली मेहनत करते रहे. गुड बाय.